टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला है। गुरुवार को कोटक वेल्थ हुरून लिडिंग वेल्दी वुमन लिस्ट 2020 में रोशनी नादर का नाम देश के सबसे अमीर महिला के तौर पर टॉप पर रहा। इस लिस्ट के मुताबिक रोशनी के पास कुल 54,850 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वर्तमान में वो SCL कॉरपोरेशन की CEO हैं और एग्जीक्यूटिव निदेशिका भी हैं और SCL इंफोसिस्टम्स की होल्डिंग कंपनी है। इस लिस्ट में सभी महिलाओं के पास औसत संपत्ति 2,725 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि इस लिस्ट में शामिल सबसे निचले पायदान पर शामिल होने वाली महिला के पास कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लिस्ट में शामिल अधिकतर महिलाओं ने COVID-19 संकट में तत्परता से काम किया है और जरूरतमंद को मदद भी पहुंचाई है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर किरण मजुमदार शॉ हैं। मजुमदार शॉ बायोकॉन के संस्थापक हैं और उनके पास 36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे पायदान पर USB के चेयरपर्सन लीना गांधी तिवारी हैं, जिनके पास 21,340 करोड़ की संपत्ति है। USB डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन के क्षेत्र की कंपनी है। इस लिस्ट में 18,620 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ नीलिमा मोटा पार्टी चौथे स्थान पर और 11,590 करोड़ रुपए के साथ राधा बेंबू पांचवें स्थान पर है। मोटा पार्टी DV लेबोरेटरीज के निदेशिका है, जबकि बेंबू के पास जोहो कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी है। इस लिस्ट में शामिल 8 महिलाओं को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 31 महिलाओं ने खुद के दम पर अपना मुकाम हासिल किया है। 6 महिलाएं प्रोफेशनल्स मैनेजर्स और 25 महिलाएं उद्यमी हैं। सभी सेक्टर्स की बात करें तो 13 महिलाएं फार्मास्यूटिकल्स और 12 महिलाएं टेक्सटाइल्स अपैरल और एक्सेसरीज और 9 महिलाएं हेल्थ केयर सेक्टर्स की हैं। फार्मा सेक्टर्स की 12 महिलाओं में से केवल मजुमदार सौ इकलौती सेल्फ मेड वुमन है। शहर के हिसाब से देखें तो इस लिस्ट में 32 महिलाएं आर्थिक राजधानी मुंबई से हैं, 20 नई दिल्ली से हैं और हैदराबाद से 10 महिलाएं हैं।